नमस्कार हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था और ये बात भी डिस्कस की थी कि किस तरीके से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में तो अक्सर जो आपके सिलेबस में होता है वो चौसर से शुरुआत होती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की लेकिन इतिहास तो अंग्रेज़ी साहित्य का उससे पुराना है मेडिवल पीरियड भी है उसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी है तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड से शुरुआत करेंगे क्योंकि भले ही आपके बीए या एमए के सिलेबस में ना हो लेकिन जब आप आगे कंपटिशन्स में जाते हैं तो यहाँ से भी कुछ सवाल आते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड से भी कुछ सवाल आपको पूछे जा सकते हैं तो यदि आप अंग्रेजी साहित्य के छात्र हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से शुरू होता है तो आज हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं चलिए तो शुरुआत है ओल्ड इंग्लिश पीरियड द बिगिनिंग्स प्रारंभ लिटिल इंडीड इज़ नोन लिटिल मीन्स ना के बराबर इंडीड वास्तव में इज़ नोन ज्ञात है ऑफ द ओरिजिन उत्पत्ति के बारे में ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के दो हालांकि इट इज रीजनेबल ये तार्किक है टू एज्यूम मान लेना दैट के वर्स काव्य ऑफ एन एक्सटेम्परेरी काइंड एक्सटेम्परेरी क्या होता है जो कि बिना सोचे समझे लिखा जाता है जो बिना किसी प्लानिंग के लिखा जाता है जैसे आपका एक्सटेम्परी स्पीच कंपटीशन होता है तो उसमें टॉपिक आपको तुरंत ही दिया जाता है और आपको उस पर बोलना होता है तो ये उसी तरीके का काव्य है जो कि बिना किसी प्लानिंग के लिखा जाता है काइंड वॉज कम्पोज लिखा गया लॉन्ग बिफोर लंबे समय पहले द पीरियड ऑफ द अर्लिएस्ट रिटन रिकॉर्ड्स यानी जो अवधि है अर्लिएस्ट सबसे पहले के रिटन रिकॉर्ड्स लिखित रिकॉर्ड की एंड दैट और के वी कैन बी सर्टेन हम uh, सुनिश्चित कर सकते हैं दैट के पोइट्री मेड इट्स एपियरेंस काव्य ने आ, अपने आप को प्रस्तुत किया यानी काव्य पैदा हुआ कविता पैदा हुई लॉन्ग बिफोर लंबे समय पहले द फर्स्ट प्रोज जबकि पहली गद्य वॉज रिटन डाउन लिखी गई यानी गद्य बाद में आई और काव्य पहले आया इट इज़ important ये महत्वपूर्ण है फ्रॉम द outset प्रारंभ से टू रिमेम्बर याद रखना दैट के द एक्सटेंट remains एक्सटेंट जो अभी भी हमारे पास हैं अभी भी अस्तित्व में हैं remains यानी जो बची हुई हैं अभी भी हमारे पास ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर प्राचीन अंग्रेजी साहित्य हैव कम डाउन टू अस हमारे पास आया है फॉर द मोस्ट पार्ट अधिकतर भाग इन लेट कॉपीज लेट यानि बाद की कॉपीज के रूप में सम ऑफ विच उसमें से कुछ वर मेड uh, लिखे गए थे तैयार किए गए थे थ्री हंड्रेड ईयर्स आफ्टर तीन सौ साल बाद द कंपोजिशन ऑफ द पोइम्स कविताओं के रचना के यानी कविताएं पहले ही बन गईं लेकिन वो लिखी बाद में गई किसी और ने जैसे कि जो शुरू में कविताएं लिखी गईं वो ओरली ट्रांसफ़र होती रहीं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से वो ट्रांसफ़र होती रहीं तो कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कि आ, मतलब लिखे जाने के या बनाए जाने के कम्पोज किए जाने के तीन साल बाद वो लिखी गईं आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द पोइम्स दैम सेल्व्स तो जब कविताएँ लिखी गई उसके तीन साल बाद मतलब कविताएँ जब बनीं उसके तीन साल बाद वो लिखी गईं सो फार एज जहाँ तक पोइट्स आर कंसर्न कवियों का सवाल है अगेन फिर से लिटिल ना के बराबर और नथिंग या फिर कुछ भी नहीं इज नोन ज्ञात है बियॉन्ड द नेम्स सिवाय नामों के ऑफ टू ऑफ देम उनमें से दो के बट लेकिन दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड इसने नहीं रोका सम स्कॉलर्स कुछ विद्वानों को फ्रॉम राइटिंग लिखने से दियर लाइव्स उनके नाम फ्रॉम हिंट्स इन द टैक्स जो कि हिंट यानी जो संकेत मिलते हैं इन द टैक्स किताबों में देम uh, सेल्वस खुद तो किताबों में कुछ ऐसी हिंट मिलती हैं कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके आधार पर लोगों ने बाद में उन कवियों के उन लेखकों के जीवन वृत्त भी लिख दिए लाइफ स्टोरी भी लिख दी फोर्टिफाइड यानी जिनको मजबूत किया गया बाय द्वारा स्केंटी यानी इधर उधर बिखरे हुए छोटे मोटे कंटेम्परेरी समकालीन रेफरेंसेस रेफरेंसेस के द्वारा इन द केस ऑफ सीडमोन जैसे कि के, सीडमोन के केस में है बट लेकिन मेनली मुख्यतः फ्रॉम द मास ऑफ कंजेक्शर कंजेक्शन होता है अंदाजा तो मास तो अंदा, ज्यादातर जो उसमें लिखा गया है वो अंदाजे से लिखा गया है मोस्ट ऑफ विच जिसमें से ज्यादातर कैन नॉट बी डिस्क्राइब नहीं बह जा सकता एज इंटेलिजेंट यानी Uh, बौद्धिकता से भरा हुआ बुद्धिमानी से भरा हुआ इंडिड वास्तव में द लेंथ्स uh, लंबाई टू विच क्रिटिक्स विल एट टाइम्स गो यानी लंबाई की मतलब बजाय आप बोलिए हद यानी वो हद जिस तक के क्रिटिक्स जा सकते हैं क्रिटिक्स विल एट टाइम्स गो कभी कभी जाते हैं समालोचक इज क्लियरली इंडिकेटेड वो मतलब uh, स्पष्ट रूप से जाहिर होती है बाय द फैक्ट इस तथ्य से दैट के वन ओल्ड इंग्लिश पोइट एक प्राचीन अंग्रेजी का कवि हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद उसको उपलब्ध करा दी गई है ए वाइफ एक पत्नी ऑन नो वैलिड एविडेंस बिना किसी वैलिड एविडेंस uh, के यानी कि बिना किसी ठोस प्रमाण के वाट्स एवर जो कुछ भी है यानी कोई ठोस प्रमाण नहीं है और बिना बात के ये बता दिया गया कि उसकी एक पत्नी थी नॉट विद स्टैंडिंग द मिस यानी ये जो मिस्ड है ये जो अस्पष्टता है इसके बावजूद विच श्राउड जिसने घेर रखा है इस अस्पष्टता ने द बिगिनिंग्स प्रारंभ को शुरुआत को एंड आर लैक ऑफ नॉलेज और जो हमारी कमी है ज्ञान की ऑफ द पोइट्स दैमसेल्व्स खुद उन कवियों के बारे में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर प्राचीन अंग्रेजी साहित्य हैज़ अ रिचनेस उसमें एक समृद्धि है विच अमेजिस जो कि आश्चर्यचकित करती है द रीडर पाठक को हु ओवरकम्स जो कि जीत लेता है विजय पा लेता है द इनिशियल डिफिकल्टी प्रारंभिक कठिनाई पर ऑफ द लैंग्वेज उस भाषा की एंड इट इज होप्ड और ये उम्मीद की जाती है दैट के दिस रिचनेस ये समृद्धि विल बी सीन देखी जाएगी इवन इन द मीगर समरी यहाँ तक के जो हम समरी देने वाले हैं छोटी सी यानी सारांश देने वाले हैं विच एपियर्स जो दिखाई देता है इन द फॉलोइंग पेजेस आने वाले शब्दों पेजेस में तो आगे ये डिस्कशन चलेगा तो उसमें दिखाया जाएगा अब देखते हैं इस पीरियड की जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपके लिए हालांकि इस किताब में काफ़ी ब्रॉडली दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है ये तो मैंने आपके लिए वो मार्क किया है जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं एज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और अक्सर जो चीज़ें कंपटीशन में आपसे पूछ ली जाती हैं तो द पीरियड इज अ लॉन्ग वन ये जो पीरियड है ये जो अवधि है एक लंबी अवधि है फॉर क्योंकि इट ओपन्स ये शुरुआत होती है इसकी इन द फिफ्थ सेंचुरी तो जनरली इसकी जो शुरुआत होती है चार सौ पचास ईस्वी से इसको शुरू किया जाता है एंड डज नॉट कंक्लूड और ये समाप्त नहीं होती एज इज ऑफ इन सपोज जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है विद द नॉर्मन कंक्वेस्ट नॉर्मन कन्क्वेस्ट के साथ इन 1066 तो ये जो 1066 है नॉर्मन कन्क्वेस्ट की डेट आपको ज़रूर याद रखनी है मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए कहीं अपनी नोटबुक पर ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है और एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है ये डेट कंपटिशन्स में भी पूछी जाती है नॉर्मन कन्क्वेस्ट की डेट वन तो इनका जो लेखक का मानना है वो ये है कि नॉर्मन कंक्वेस्ट पे ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड खत्म नहीं होता बट बल्कि rather कंटिन्यूज इसके बजाय ये जारी रहता है इन प्रोज प्रोज में एट लीस्ट कम से कम टिल एलेवन फिफ्टी ग्यारह सौ पचास तक तो हम जनरली ओल्ड इंग्लिश पीरियड को चार सौ पचास से नॉर्मन कंक्वेस्ट तक बांटते हैं लेकिन इन लेखक का मानना है कि ये ग्यारह सौ पचास तक जारी रहता है तो आपको यहाँ जो मार्क करना है वो स्पेशली ये मार्क करना है नॉर्मन कन्क्वेस्ट की डेट लिटरेरी फीचर्स ऑफ द पीरियड तो इस अवधि की जो साहित्यिक विशेषता हैं फीचर्स हैं वो क्या हैं जिनमें की पहली है पेगन औरजन्स पेगन क्या होता है जो लोग बहुदेववादी होते हैं यानी एकेश्वरवादी नहीं होते एक ईश्वर को नहीं मानते दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं बहुत सारे धर्म हैं जो बहुदेववादी होते हैं जैसे यूनान का जो धर्म है वो उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें तैतीस करोड़ देवी देवता हैं तो हम लोग पेगन माने जाते हैं तो बहुदेववादी ओरिजिन्स हैं ये जो ओल्ड इंग्लिश है उसकी जो उत्पत्ति है वो बहुदेववादी धर्म से है क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो थोड़ी बाद में आई है तो क्योंकि ये जो पोइम्स हैं बहुत पहले बनी हैं मतलब लिखी भले ही बाद में गई लेकिन बनी बहुत पहले हैं तो इसलिए उनकी जो ओरिजिनस है उनकी जो उत्पत्ति है वो बहुदेववादी है हालांकि जब से ये ओल्ड इंग्लिश शुरू होती है तो क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी अस्तित्व में आ चुकी थी आ, लेकिन फिर भी इनकी जो उत्पत्ति है वो पेगन रिलीजन्स से है मैनी ऑफ द पोइम्स बहुत सारी कविताएँ ऑफ द पीरियड इस अवधि की एपियर प्रतीत होती हैं टू हैव इन दैम कि उनमें है फीचर्स विशेषताएं विच आर एसोसिएटेड विद जो कि संबंधित हैं द पेगन पास्ट यानी बहुदेववादी अतीत से इन पर्टिकुलर विशेष रूप से एंड विसित्योवल्फ तो ये दो जो रचना है विरसित और बियोवल्फ इनमें हम आ, पेगन ओरिजिन देखते हैं दूसरी फीचर देखिए ये है एनोनिमस ऑरिजिन एनोनिमस जिन पर कि नाम नहीं होता अज्ञात उत्पत्ति है यानी वो कविताएं किसने लिखी लिखने वाले का नाम ज्ञात नहीं है ऑफ़ ऑल द ओल्ड इंग्लिश पोइट्स यानी जो सारे प्राचीन अंग्रेजी के कवि हैं वी हैव डायरेक्ट मैंशन हमें सीधा सीधा उल्लेख मिलता है ऑफ ओनली वन सीडमॉन केवल एक कवि का जिसका नाम है सीडमॉन दो हालांकि नॉट वन ऑफ द एक्सटेंट पोएम्स यानी एक्सटेंट का मतलब जो अभी भी उपलब्ध हैं कविताएं है, उनमें से एक भी नहीं कैन डेफिनेटली डेफिनेटली बी एस्क्राइब्ड यानी निश्चित रूप से आ, कही जा सकती है टू हिम यानी आ, उसको डिवोट की जा सकती है उसको समर्पित की जा सकती है ऐसी एक भी कविता नहीं है सीड मॉन का नाम तो हमें मिलता है लेकिन जितनी कविताएं उपलब्ध हैं हमारे पास उनमें से एक भी कविता उसको समर्पित नहीं की जा सकती ये नहीं कहा जा सकता कि ये कविता सीड मॉन ने लिखी थी द नेम ऑफ एनअर पोइट जो नाम एक और कवि का है साइन वुल्फ इज uh, नोन वो ज्ञात है बिकॉज क्योंकि ऑफ़ द फैक्ट इस तथ्य की वजह से दैट के ही साइंड उसने अपने सिग्नेचर किए हैं अपने हस्ताक्षर किए हैं हिज पोइम्स अपनी कविताओं पर इन रियूनिक लेटर्स रियूनिक लेटर्स वो होते हैं जिनमें के uh, अक्षर नहीं होते बल्कि uh, कुछ फिगर्स बनी होती हैं तो उस तरीके के uh, अक्षरों में उसने uh, अपने हस्ताक्षर किए हैं एट द एंड ऑफ फोर पोइम्स चार कविताओं के अंत में ऑफ द रेस्ट बाकियों के बारे में वी डू नॉट इवन नो हम यहाँ तक के नहीं जानते देयर नेम्स उनके नाम भी प्रोज हैव नोटिस जैसा कि हमने देखा है केम लेटर बाद में आई तो काव्य पहले आया गद्य बाद में आई एंड एज इट वॉज यूज और जैसा कि इसका प्रयोग किया गया था फॉर प्रैक्टिकल परपजेस यानी प्रैक्टिकल उद्देश्यों के लिए इट्स ऑथरशिप इसका जो ऑथरशिप है यानी इसके जो लेखक के नाम हैं इन मैनी केसेस बहुत से मामलों में इज एस्टेब्लिश्ड उनको उल्लेखित किया जा सकता है तो इसके प्रैक्टिकल पर्पसेस थे यानी गद्य का जब प्रयोग किया जाता है तो वो एक उद्देश्य से होता है यानी कोई पर्पज होता है तो गद्य लिखा जाता है काव्य तो क्या है अक्सर बिना पर्पज़ के बन जाती है कविता हैं कविताएं लोग यूं ही बस उत्साह मन में आता है और कविता लोग गाने लगते हैं तो वो जो कविताएं थीं अक्सर उनके नाम नहीं है गाने वाले के नाम नहीं है क्योंकि वो जिसने गाया जिसने के मन में पैदा हुई वो कविता उसने तो अपना कहीं नाम मेंशन किया ही नहीं पता ही नहीं है भैया किसने बनाई लिखा तो उनको बाद में गया लेकिन गद्य जो लिखी गई है उसमें अक्सर लिखने वालों के नाम मिल जाते हैं तीसरी जो इसकी क्वालिटी है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो तीसरा गुण है तीसरी जो विशेषता है वो है द इमीटेटिव क्वालिटी इमिटेट मतलब जो नकल करने का गुण है यानी एक की नकल करके दूसरे ने लिखा <coughs> एक ने लिखा वैसा दूसरे ने लिखा तो मच ऑफ द प्रोज ज्यादातर गद्य एंड सम ऑफ द पोइट्री और कुछ पद्य इज ट्रांसलेटेड या तो अनुदित हुई है अनुवादित हुई है और एडेप्टेड या फिर उसको एडेप्ट किया गया है फ्रॉम द लैटिन लैटिन भाषा से दो हालांकि द डेट ऋण टू द ओरिजिनल जो आ, मौलिक है उसके प्रति वेरीज भिन्न है ग्रेटली बहुत ज्यादा यानी ऋण भिन्न है का मतलब है कि किसी में तो बहुत ज्यादा उधार लिया गया है किसी में कम उधार लिया गया है तो इसलिए वो एक दूसरे से भिन्न है क्वांटिटी के मामले में चौथी विशेषता क्या है द मेन्यू स्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियां हैं वही किताबें तो थी नहीं उस वक्त जो किताबें हमको मिली हैं हमें क्या मिलता है पांडुलिपियां मिलती हैं हस्तलिपियां मिलती हैं इट इज सर्टेन ये निश्चित है दैट के ओनली अ पोर्शन केवल एक भाग ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री प्राचीन अंग्रेजी काव्य का है सरवाइव्ड बचा हुआ है दो हालांकि इट वुड एपियर ऐसा लगेगा लाइकली दैट के द सर्वाइविंग पोर्शन ये जो आ, बचा हुआ भाग है इज रिप्रजेंटेटिव ये प्रतिनिधित्व करता है तो ज्यादातर तो खत्म ही हो गई है क्योंकि जो लिखी गई थी वो ओरली लिखी क्या गई थी बनी थी जो कविता वो ओरली बनी थी और लिखा गया बहुत कम अंश उसका तो हम उसी को रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं प्रतिनिधित्व तो वही कविता तो करेगी जो हम तक पहुंचती है जो हम तक पहुंची ही नहीं तो उसको हम कैसे जान पाएंगे कि वो कैसी थी द मैन्यू जो पांडुलिपियाँ हैं इनवे जिनमें कि द पोइट्री इज प्रिजर्व्ड काव्य को सुरक्षित किया गया है आर लेट इन डेट वो बाद की तारीखों की हैं। आर यूनिक अपने आप में अद्वितीय हैं। एंड आर फोर इन नंबर और उनकी संख्या चार है और वो चार इस तरीके से हैं। दे आर पहला है द बूवुल्फ दूसरा है द जूनियर्स तीसरा है द एक्सेटर बुक और चौथा है वर्सेली बुक तो ये चार हैं जो कि अवेलेबल हैं अस्तित्व में हैं मतलब कि अस्तित्व में आ, तो इसके अलावा भी हैं और भी हैं इन चार को क्या कहा है राइटर ने रिप्रेजेंटेटिव कहा है ये इनको प्रतिनिधि मैन्यूस्क्रिप्ट माना जा सकता है कि ये उस एज की पोइट्री का प्रतिनिधित्व करती हैं तो आ, इसके अलावा भी और कविताएं हैं और आ, रचनाएं हैं जो कि अस्तित्व में हैं लेकिन ये जो चार हैं ये प्रतिनिधित्व करती हैं उस काल की रचनाओं का द लैंग्वेज जो भाषा है ओल्ड इंग्लिश द डिफिकल्टी कठिनाई एनकाउंटर्ड जिससे सामना होता है इन रीडिंग पढ़ने में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर प्राचीन अंग्रेजी साहित्य को लाइज वो कठिनाई निहित है इन द फैक्ट इस तथ्य में दैट के द लैंग्वेज भाषा इज़ है वेरी डिफरेंट बहुत अलग फ्रॉम दैट ऑफ टुडे आज की भाषा से तो हम जो अंग्रेजी जानते हैं आज वाली अंग्रेजी को जानते हैं ट्वेंटी सेंचुरी इंग्लिश और जो चली आ रही है हम नाइनटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी यहाँ तक कि सिक्सटीन सेंचुरी की इंग्लिश जब हम शेक्सपियर के प्लेज पढ़ते हैं या क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज पढ़ते हैं तो कभी कभी उनमें भी हम देखते हैं कि हैज़ को हैथ लिखा हुआ है गोज़ को गोएथ लिखा हुआ है तो वहाँ भी बच्चे जब नया पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े कन्फ्यूज होते हैं लेकिन ओल्ड इंग्लिश ओहो वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है उसको पढ़ना तो बहुत मुश्किल है अभी आपको आप देखेंगे उसको उसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो ये है उसका एग्जाम्पल ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का बीओ और ये सबसे ज्यादा फेमस है पहला एपिक है इंग्लिश का तो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का रिप्रेजेंटेशन करता है ये बेओवल्फ एक तरीके से और किस तरीके की है वो ओल्ड इंग्लिश जरा देखिए तो आप ये ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है बिल्कुल समझ में नहीं आ रही अब इस लाइन में लिखा क्या हुआ है फॉर हेम देन द पीपल ऑफ द गिट्स मेड रेडी फॉर हेम उसके लिए दैन तब दीपल ऑफ़ द गिट्स गिड्स के लोगों ने मेड रेडी तैयार किया तो ऊपर वाली लाइन में ये लिखा हुआ है यानी यहाँ पर एक चिता तैयार की जा रही है हीरो के लिए पहाड़ी के ऊपर और उसका वर्णन है लेकिन ये तो आपकी समझ में नहीं आ रहा जब उसको हम अभी मॉडर्न इंग्लिश में लिखा तो तुरंत समझ में आ गया अब नेक्स्ट लाइन है अ स्प्लेंडेड फ्यूनरल पायर ऑन द अर्थ अ स्प्लेंडेड एक शानदार फ्यूनरल पायर चिता की आग ऑन द अर्थ जमीन पर ऊपर वाला नहीं समझ में आया लेकिन ये समझ में आया फिर देखिए हंग हेलमेट्स यानी चारों तरफ घिरे हुए हेलमेट्स पहने हुए द विद बैटल शील्ड्स और साथ में युद्ध की जो आ, शील्ड होती हैं ढालें तलवार के साथ ढाल होती है तो उसको शील्ड बोलते हैं विद शाइनिंग कॉर्सलेट्स यानी चमकते हुए कॉर्सलेट्स यानी के कपड़े एज ही रिक्वेस्टेड जैसी कि उसने प्रार्थना की थी देन लेड तब उन्होंने लिटाया इन द मिडस्ट बीच में ऑफ इट इसके द इलस्ट्रियस प्रिंस महान राजकुमार को द वीपिंग वॉरियर्स रोते हुए योद्धा द बिलविड लॉर्ड प्यारे लॉर्ड्स यानी कि दरबारी देन द वॉरियर्स तब योद्धा विगेन टू किंडल जलाने लगे ऑन द क्लिफ चोटी पर द ग्रेटेस्ट ऑफ फ्यूनरल पायर्स महानतम चिता की लपटें द वुड स्मोक लकड़ी का धुआं रोज अब उठा ऊपर डार्क एब द फायर ऊंचा काला धुआं आग के ऊपर द रोरिंग फ्लेम्स दहाड़ती हुई लपटें सराउंडेड जो घिरी हुई थी बाय लेमेंटेशन विलाप से द दा ट्यूमल्ट धार शोर ऑफ द विंड्स हवाओं का सबसाइडेड कम हो गया टिल जब तक कि इट हैड कम्प्लीटली इसने पूरी तरह क्रस्ट नष्ट कर दिया ख़त्म कर दिया द बॉडी शरीर को हॉट इन द ब्रेस्ट यानी सीने में गरम सैड इन द माइंड मस्तिष्क में दुखी दे कंप्लेंट उन्होंने शिकायत की ऑफ़ द सोरो की ऑफ देयर हार्ट्स अपने दिलों की द डेथ मौत ऑफ देयर लीज लॉर्ड लीज लॉर्ड यानी उनका जो स्वामी थे उनकी भूमि के स्वामी भूमिपति उनके महान राजा उनकी मौत पर वो बिलाप कर रहे थे तो देखा आपने अगर समझ में आए तो कितनी शानदार पोइम है ये एपिक है कितने शानदार तरीके से लिखा गया है आ, लेकिन आ, दिक्कत वही है कि हमको ये जो लैंग्वेज है ये समझ में नहीं आती और इस किताब के लेखक ने भी खुद कहा है इट विल बी ऑब्जर्व्ड ये देखा जा सकता है दैट के द लैंग्वेज जो भाषा है इज फोर्सफुल ताकतवर है एंड एक्सप्रेसिव और अभिव्यक्तिपूर्ण है कन्वेइंग जो मतलब कन्वे करती है अपना संदेश देती है विद एन इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स यानी कम शब्दों में तो शब्द ज़्यादा नहीं थे लेकिन वो मीनिंगफुल थे द पिक्चर ऑफ द फ्यूनल पायर यानी चिता की अग्नि की तस्वीर ऑन द क्लिफ टॉप चोटी के ऊपर एंड द लिमेंटेशन और विलाप ऑफ द वॉरियर्स योद्धाओं का फॉर देयर डेड किंग अपने मरे हुए राजा को लिए तो कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इस ओल्ड इंग्लिश में भी और कितनी महान uh, कितने उच्च कोटि का ये uh, एपिक है ये हम समझ सकते हैं इसके अलावा इस ओल्ड uh, इंग्लिश पीरियड की uh, और रचनाओं की बात करें तो अदर पोइट्री है और उसमें पेगन पोइम्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि पेगन बहुदेववादी कविताएं होती हैं और विडसित है इससे पहले भी इसका नाम आ चुका है देन वॉलियर है द फाइट ऑफ फिंसबर है और इसके अलावा द बैटल ऑफ रूनानबर है द बैटल ऑफ माल्डन है उसके बाद एलेजीज हैं और एक सीडमॉन ग्रुप है यानी कुछ पोइम्स हैं जिनको के आ, कहते हैं कि वो सीडमॉन ने लिखी हैं फिर एक सिनेवल्फ़ ग्रुप है कुछ पोइम्स के लिए कहा जाता है कि वो सनेवुल्फ़ ने लिखी हैं और अगर प्रोज़ की बात करें तो यहाँ एल्फ्रेड हैं जिसको के द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज़ कहा जाता है और ये एल्फ्रिक है और इसके अलावा वुल्फस्टन है द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल और और अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स की तो इनका ऑथर का कहना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर अ नोटिसेबल डेवलपमेंट यानी कि इस अवधि के दौरान जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है वो अंडर गोजन नोटिसेबल डेवलपमेंट यानी एक उल्लेखनीय विकास करती है दो इट इज़ वेल टू रिमेम्बर हालांकि ये ठीक रहेगा ये बात याद रखना दैट इट इज द रिजल्ट ये परिणाम है ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सैकड़ों सालों का ऑफ स्लो ग्रोथ जो कि धीमी प्रगति हुई सैकड़ों सालों के दौरान एंड इट इज इम्पॉसिबल और यह असंभव है टू डिवाइड बांटना द टाइप्स ऑफ वर्ड्स पद्य के प्रकारों को फॉर एग्जाम्पल इन टू डेफिनेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स यानी हम डेफिनेट यानी कि सुनिश्चित भागों में इनको नहीं बांट सकते जो पद्य के प्रकार हैं तो पोइट्री की बात करें तो एपिक आ, का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो बियोवल्फ के द्वारा ही होता है जिसको कि अभी आपने देखा भी और पढ़ा भी आ, कुछ लिरिक्स हैं जिनकी कोई ऐसी डेफिनेट शेप नहीं है प्रोज की बात करें तो उसमें क्या है हमको ज्यादातर ट्रांसलेशंस ही मिलते हैं ओल्ड इंग्लिश प्रोज में जो कि लैटिन से ट्रांसलेट किए गए हैं तो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है एक तरीके से बीओ वल्फ के द्वारा ही किया जा रहा है और इसके बारे में आपने अच्छे से जान लिया अभी उसका स्टाइल भी आपने पढ़ा आ, मुझे लगता है कि ये वीडियो हमें यहीं समाप्त करनी चाहिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मिडिल इंग्लिश पीरियड पर होगा एक सवाल जो अक्सर आप पूछते जाते हैं और फिर से पूछेंगे कि मैम ये वीडियो कहाँ से बनाई किस बुक से बनाई तो ये बुक है देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और एडवर्ड एल्वर्ट इसके ऑथर हैं लेकिन आ, मैंने ये वीडियो इस बुक की हेल्प से है जरूरी नहीं कि मैं आने वाले वीडियो भी इसी बुक की हेल्प से बनाऊं मैं बहुत सारी बुक्स हैं तो जहाँ जो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ से उठाऊँगी और अपना वीडियो बनाऊँगी तो बेहतर यही होगा कि आप वीडियो को देखें वीडियो जिस वक्त चल रहा है टेक्स्ट आपके सामने ही होता है जो भी मैं पढ़ाती हूँ तो ये सवाल आप बार बार ना करें कि मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद